फ्रेंड्स यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है और इस वीडियो में ये वीडियो जो है वो चैप्टर टू है इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के का जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं उसी का ये आगे का पार्ट है ये चैप्टर टू का लास्ट पार्ट है और अगर और बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी बाकी के, -के पार्ट्स आपने नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उसे देख सकते हैं और ये लिटरेचर सोर्स इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम आ, आपको पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो ये वीडियो पूरी यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है तो इसे आप मिस मत करिएगा और हमारे चैनल को इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके हमारी यूपीएससी कंप्लीट कोर्स के सीरीज में जाके कैसे कैसे वीडियोस हैं उसे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की भी वीडियो आप देख सकते हैं और इस नंबर पे अगर जाके आप व्हाट्सअप कर देते हैं तो आपको वीडियो की लिंक हमारी भेज दी जाएगी जब भी हमारा वीडियो लॉन्च होगा और साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर कराना चाहते हैं शर्ट टी शर्ट जींस कुछ भी तो आप जा सकते हैं यहाँ फेसबुक पे जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो कभी मिस ना हो और टिस्क पेज को जाके लाइक कर दीजिएगा स्टेज का सर्च करेंगे आ जाएगा फेसबुक पे आप उसको लाइक कर दीजिएगा अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लिटरेचर के बारे में जानेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से लिटरेचर uh, से हमें पता चला टाइम के बारे में यूपीएससी के लिटरेचर uh, से हमको टाइम के बारे में पता चला कि हिस्ट्री में किस तरह से uh, जैसे अलेक्जेंडर आया और या उसके बाद बाकी के जो राजा है कौन कब कहाँ कहा आया इसके बारे में हमको डिटेल में पता चलेगा इस वीडियो में और हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में भी जानेंगे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं देखिए जो आ, राइट हमने जो लिखना सीखा राइटिंग जो हमने सीखी वो हमने कब सीखी वो हमने सीखी थी 2500 बीसी में 2500 बीसी में हमने सीखी थी हड़प्पा सभ्यता के समय में हमने हड़प्पा सभ्यता से ही आप देखते आ रहे हैं तो उसमें कई ऐसे स्क्रिप्ट थे जो अभी भी पढ़े नहीं जा सके जिसे बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जेम्स पेशअप ने जेम्स पेशअप ने उसे डिकोड uh, किया था जो कि सिविल सर्वेंट थे बंगाल, के, इस्ट, बंगाल इस्ट इंडिया, इस्ट इंडिया के वो उन्होंने इसे डिकोड किया था और अभी भी लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के समय में जितनी हमारी चीजें लिखी गई हैं वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई हैं तो अभी की जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से ये क्लियर होता है कि हमने जो लिखना सीखा वो हमने हड़प्पा सभ्यता के समय से ही सीखा था हम यही मान के चल रहे हैं वैसे इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं तो 2500 फाइव में हमने लिखना सीखा उसके लेकिन जो 400 सेंट्रल एशिया में अगर आप जाएंगे सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि ज्यादातर तो जो एंशियंट मनुस्क्रिप्ट है मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटर्न चीजें अगर कोई हाथ से हम, हम किसी चीज कागज पे कहीं हम कुछ लिखते हैं तो वो है मनुस्क्रिप्ट का लाती है तो एंशियंट मनुस्क्रिप्ट था वो सेंट्रल एशिया में देखा गया फोर हंड्रेड में और चार सौ में वहां से मतलब ये चीज काफी प्रचलन में आई अब देखिए वो लोग लिखते कैसे थे लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो वो लोग लिखते थे देखिए काग, जो कागज था कागज तो आया लेट में कागज की कागज तो फिफ्टी चाइना में इसका आविष्कार हुआ कागज का तो लेकिन उसके पहले लोग कहा लिखते थे पाम पे लिखते थे इस तरह के जो पत्ते दिख रहे हैं आपको इस पर लोग लिखते थे और ये देखिए इसमें क्या होता था कि जो ये डंठल होती थी ये इसका इसको लोग स्याही में डालते थे पहले के जमाने में आपने देखा होगा ऋषि मुनियों को लिखते हुए वो इसी को लिख के लिखते थे और इस तरह के कुछ पत्तों का ये लोग प्रयोग करते थे जिसमें ये लोग उस चीज को लिखते थे और यहीं पर जैसे कोई चीज जिसमें आ रहा है लिखना तो ऐसे ऐसे करके कोई चीज वो लोग लिख देते थे तो ये उनका तरीका था लिखने का अगर ये इंडिया में था और लेकिन अगर सेंट्रल एशिया में देखें मतलब सेंट्रल एशिया का मतलब अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जो प्रेजेंट का पाकिस्तान है उस समय के एरिया में या ईरान वगैरह में तो वहां पे सेंट्रल एशिया में देखिए तो आप यहाँ पे क्या है कि जो वो लोग लिखते थे वो लोग लकड़ी पे लिखते थे वुडन टैबलेट्स होते थे जैसे आप देखेंगे आज मदरसों में देखा जाता है कि इस तरह की लकड़ी का एक तथ्य होता है उस पर जो है उस जो भी मौलवी या पादरी होता है वो उस पर लिखते हैं मौलवी होते हैं वो लिखते थे तो ये इस तरह के वुडन टैबलेट्स का लोग प्रयोग करते थे और शिप यानी कि जो भेड़ होती है भेड़ का भेड़ की लेदर भेड़ के जो भेड़ के चमड़े से जो भेड़ का चमड़ा जो होता है उस पर भी ये लोग लिखते थे शिप लेदर पे और यहाँ पे यहाँ पे ये स्प्रेड हुआ इंडिया से इंडिया से ये सारी चीजें स्प्रेड स्प्रेड जैसे लिखने का चलन देखा जाए तो इंडिया में इसलिए इंडिया को कुटुंबकम जैसे हम लोग कहते हैं तो इंडिया जो है इसीलिए शिक्षा की लिखने पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले माना जाता है कि इंडिया में ही हुई थी वो भी हड़प्पा सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता से पुरानी कोई सभ्यता नहीं वगैरह की उससे बहुत पहले की है तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुराना माना जाता है और उस ये इंडिया में पाया गया ये स्थान इसीलिए ये माना जाता है कि लिखने पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले हमने जाना वो वो जाना हड़प्पा सभ्यता में सेंट्रल एशिया से इंडिया में ये चीजें फैली हैं मतलब सेंट्रल एशिया से ये चीजें इंडिया से आई हैं और वहां पे किस लैंग्वेज में लिखते थे वो लोग वो लोग मोस्टली यूज करते थे प्राकृत प्राकृतिक अपने कोई भी लैंग्वेज मिल मिलकर बनी है वो है प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं उसे नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं और देखिए जितने पुराने ओल्ड संस्कृत के मनुस्क्रिप्ट है मनोस्क्रिप्ट मैंने बताया आपको कि हंड्रेड ट्रेड चीजें होती हैं जैसे इस टाइप की चीजें कुछ तो ये जो ओल्ड संस्कृत जितनी मनुस्क्रिप्ट है वो बिलोंग करते हैं किससे साउथ साउथ इंडिया में ऐसे चीजें बहुत ज्यादा पाई गई कश्मीर में चीजें ज्यादा पाई गई नेपाल में चीजें ज्यादा पाई गई हैं तो ये तीन जगहों पे ये ओल्ड जितने भी संस्कृत की सबसे पुरानी मनोस्क्रिप्ट है वो वहां पे पाई गई है और इसमें देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जानने वाली ये है कि इसमें जो ये सारी चीजें यहाँ पे जितने भी मनुस्क्रिप्ट थे, थे संस्कृत में जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर ये श्लोक होते थे कोई दोहा चौपाई कुछ इस टाइप की चीजें होती थी और ये ये बेस्ड होती थी पूरी तरीके से रिलीजियस थीम पे बेस्ड होती थी यह रिलीजियस थीम पर कोई तरीके से बेस्ट होती थी और इसमें जो है इसमें धर्म से रिलेटेड धार्मिक कार्यों से रिलेटेड चीजों को ही लिखा जाता था तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि रिलीजियस चीजों पे इनका सारा थीम बेस्ड होता था अब चलिए हम चलते हैं आगे हम बताते हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में देखिये रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य अगर हम देखें तो वो चीजें जो हैं वो टोटल तीन जगहों पे हमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं जैसे एक है वेदास हमारे वेदा वेदा में वे, जब हम हम वेदा में हम रीड करते हैं ऋग्वेद देखिए शाम वेद अथर्वेद देखिए तो इस तरह के वेदों में ही हमें प्राचीन सबसे माना गया है इसको और सारी धार्मिक चीजें यहीं से पाई जाती है कुछ चीजें हमें एपिक्स जिसको कहते हैं हम जो हमें मिलती है रामायण से महाभारत से ये चीजें मिलती है इसको एपिक्स कहा जाता है

आफ्टर डिकेट 1000 बी में आफ्टर डिकेट सॉरी बी में 1500 से आफ्टर डिकेट बीसी में ऋग्वेद को लिखा गया था और इसमें क्या होता था कि इसमें क्या लिखा जाता था ऋग्वेद में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा प्रेयर से लिखे जाते थे और प्रेयर्स इसमें ऋग्वेद में जो भी चीजें लिखी जाती थी वो ज्यादातर प्रेयर्स होती थी जो भी प्रे करते थे लोग वो लोग इसमें लिखते थे कि जो भी प्रार्थना वगैरह होती थी श्लोक के माध्यम से इसमें लिखा जाता था यजुर्वेद में देखिए युद्ध स्तर की जितनी चीजें होती हैं और युद्ध कला की बात की जाए तो उसको यजुर् उसको लिखा जाता था यजुर्वेद में और ये सारी चीजें थी और सामवेद में सा, सामवेद थी तीसरी चीज थी सामवेद और चौथी चीज अथर्ववेद तो ये सारी चीजें वेदास की हैं और इन सब में अगर आप एक चीज आप अगर कॉमन देखना चाहें वेदा में तो उसमें एक चीज आपको बहुत ही कॉमन मिलेगी कि ये सारी जो थी वो रिचुअल्स के बारे में बताती थी मैजिक के बारे में बताती थी मतलब किस तरह से चीजें किस तरह से बन रही हैं और मैजिक्स क्या है जैसे कि हमें क्या करना जैसे हम कहते हैं सुबह उठ के हमें नहाना चाहिए तो ये चीजें कहाँ से आई तो ये चीजें आई वेदास से सुबह उठ के सूर्य सूर्य नमस्कार करना चाहिए योगा करना चाहिए और आ, अच्छी चीजें खान पान करना चाहिए शुद्ध सुबह जो है मॉर्निंग में जिस तरह से मान लीजिए हमें पूजा करना चाहिए तो ये सारी चीजें जो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें वेदा से ही मिली हैं तो ये ओल्ड इसको और मैजिक भी आया है यहीं से मैजिक इन द सेंस जैसे कि जादू टोना वगैरह होता है ये सारी चीजें भी यही से आई हैं ये सब चीज ज्यादा इन्ही जगहों से आई हैं और देखिए उस समय क्या था कि ये जो जितने भी रिलीजियस लि, 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 लिटरेचर थे इन्हें पढ़ना बहुत ही मुश्किल था इन्हें समझना जो है बहुत ही मतलब मुश्किल था और ये क्योंकि इससे सबको ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता था लेकिन पता नहीं चल पाता था कि ये टाइम और प्लेस मतलब समय के बारे में और स्थान के बारे में इन हमें इन मेंचर पे ज्यादा हमें चीजें नहीं पता चल पाती थी और इसी और ये जो है ज्यादातर जो भी हमें इन चीजों से पता चलता चाहे वेद हमारे वेदा हुए चाहे हमारे एपिक हुए चाहे हमारे पुराण हुए इन सारी चीज़ों से हमें ज्यादातर हमें पता चलता है चीजें वो टोटल तो तो हमें पता चलती हैं कल्चर के बारे में रिलीजियस यानी धर्म के बारे में हमारे और उन सारी चीजों के बारे में पता चलती है अब देखिए अब यहाँ पे हम अगर बात करें एपिक्स की तो एपिक्स देखिए रामायण और महाभारत देखिए जब जाहिर है और रामायण और महाभारत महाभारत जो इसमें सबसे ये सबसे ये ओल्डेस्ट है महाभारत को सबसे ओल्डेस्ट माना गया है सबसे ओल्डेस्ट है ये और महाभारत ये जो यजुर्वेद है देखिए ऋग्वेद जो था ऋग्वेद 1500 से आपको मैंने बताया फिफ्टीन हंड्रेड से थाउजेंड बीसी तक था तो इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम में तो क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद में फिफ्टीन से ये था थाउजेंड बीसी तक तो लेकिन जो जजुर्वेदेद अथ, अथर्वेद अथा और रामायण और महाभारत और उपनिषद ये सारी चीजें अगर हम इसको मतलब मान के चले कि हम ऋग्वेद को अगर हम छोड़ दें और बाकी चीजों को अगर हम इसमें कवर कर लें तो ये चीजें जो आई हैं ये आई हैं थाउजेंड से फाइव हंड्रेड बीसी में थाउजेंड से 500 तो इसे 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 याद रखिएगा आप आप लोग मिस मत की इसे मत कीजिएगा तो भूलिएगा क्योंकि ये चीजें अगर आप नोट बना रहे हैं तो इस नोट, नोट में इस चीज को वहां लिख दीजिए मैं जो बोलता हूँ उसे आप लिख लीजिएगा जिससे आपका आपके नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर हो यूपीएससी के लिए प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन हो सके अब देखिए ये जो उपनिषद होते हैं देखिए महाभारत में हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे महाभारत में आगे कि आगे महाभारत में क्या क्या किस किस तरह से चीजें थी वो हम आपको बताएंगे इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि अगर पुराण की बात करें तो पुराण में जो जब से ज्यादा जो मेजर पुराण थे वो आए थे तो आपके फोर हंड्रेड आफ्टर टिकेट में फोर हंड्रेड आफ्टर टिकेट में आए थे जैसे उपनिषद है और उपनिषद का में क्या होता था कि देखिए उपनिषद हम लोग कहते हैं उपनिषद में होता क्या था उपनिषद में होता था फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन होता था जैसे फिलोसफी होती है लोग कहते नहीं फिलोसफी मचारो तो फिलोसॉफी मतलब क्या था कि लोग अपनी आ, आ, मन की बातें अपना ओपिनियन चीज पे देने लगते हैं और उस चीज को पे अपना उस चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करने लगते हैं तो वो चीजें उपनिषद के अंतर्गत आ जाती हैं तो उपनिषद में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है फिलोसॉफिकल वे में वो चीजें उसमें बताई जाती थी तो ये पुराण के अंतर्गत आता था, था या ये फोर हंड्रेड आफ्टर टिकट इसका जो टाइम पीरियड था और अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में टेन थाउजेंड से बीसी से 400 आफ्टर डिकेट तक की मतलब जितनी भी घटनाएं वो बनी है अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको ये आपका बना था 10000 से 10000 बी से 10000 अह बीसी से 400 आ, 400 आफ्टर डिकेट तक अह ये चीजें बनी हुई थी अब चलिए आगे देखते हैं देखिए मां भारत में क्या था कि मां भारत में जो मां भारत को और क्या कहा जाता है भारत को कहा जाता है जैन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है तो काफी इंपॉर्टेंट है ये तो महाभार तो जैन संहिता कहते हैं और ये भी पूछ चुका है कि जैन संहिता का मतलब क्या होता है ये सीजल का था। तो जैन, जैन था का मतलब द कलेक्शन ऑफ डी विद्री मतलब जितनी भी जीत की जो होती थी उससे जो कहीं राजा कहीं युद्ध करने गया तो वहां जीत के जो है जैसे कि पांडव कौरवों पर जीत गए थे तो वो उनका पूरा कलेक्शन किस किस तरह से कौन कहां -कहां जीता इसका पूरा डिटेल को जैन संहिता में दिया गया है इसीलिए इसे जैन संहिता कहा जाता है और देखिए अगर वर्ष जैसी श्लोक की बातें करें तो देखिये पहले शुरुआत में जब महाभारत लिखा गया तो उसमें सिर्फ अट्ठासी सौ उसमें मतलब जो है उसमें श्लोक थे बाद में वो बढ़ के चौबीस हजार उसमें और श्लोक हो गए मतलब अट्ठासी सौ से डायरेक्ट चौबीस हजार हो गए और उस जो चौबीस हजार जो बने थे उसको कहा गया भारत 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 कहा गया उसे तो उसे भारत कहा जाता है जैसे जैसे हम जैन संहिता कह रहे हैं या महाभारत कह रहे हैं तो ये अट्ठासी सौ वर्षेज का है लेकिन जो हम चौबीस हजार जिसमें श्लोक हैं वो जब उसमें हम और श्लोक ऐड करके एक नई बुक बनाए महाभारत की तो वो भारत नाम से आया बाद में उसको बढ़ा के अः चौबीस हजार से इसको बढ़ा के टोटल एक लाख कर दिया गया तो टोटल जो एक लाख जो जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ महाभारत का कंपाइलेशन यानी कि जो चीजें कई श्लोक उसमें जुड़ते चले गए जैसे इंप्रूवमेंट हुआ कई प्रकांड पंडित और विद्वान हुए उन्होंने इसमें नई नई चीजें जो ऐड की महाभारत में अब वो टोटल एक लाख श्लोक हो गए और जो एक लाख श्लोक हो गए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे अभी क्वेश्चन का सेज में फ्रेम होते हैं तो ये जो ये जो फाइनल कंपाइलेशन था इसका वो एक लाख वर्सेज का था और इस एक लाख वर्सेज में मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ तो ये ये एक लाख वर्षेज में ये टोटल हुआ क्या था इसमें एक लाख वर्षेज में ये टोटल इसको कहा गया सत सत में संहिता सत सहस्री संहिता ये इसको कहा गया और ये कहा गया संहिता ये दस हजार वर्षेज में था ये तो अब इसमें क्या था और इसमें साथ ही साथ इसमें एक चीज और थी का फाइनल देखिये जय संहिता जो था यह महाभारत था ये ये अगर अट्ठासी सौ अट्ठासी सौ इसमें है अगर यही चौबीस हजार हो गया तो ये भारत कहलाया और यही अगर एक लाख हो गया तो ये कहालायामृत संहिता इसको कहा गया देखिए इसमें एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो है ये चीजें जो महाभारत की हैं इसका जो मेन नरेटिव था इसका जो मेन चीजें था वो रिलेटेड था कौरव पांडवों से रिलेटेड था देखिए जो उसका मेन नरेटिव था वो कौरव पांडवों से रिलेटेड था कि कौरव किस तरह से मतलब तो पांडव किस तरह से युद्ध हुआ वो लेटर वैदिक टाइम के समय में ये चीजें थी और बाद में ये, ये, ये महाभारत में इसको जो चीजें बताई गई हैं वो बहुत ही डिस्क्रिप्शन उसको पूरी तरीके से उसका द, डिफाइन किया गया जैसे कि उसमें आप एक, एक कथा आप जानेंगे कि जैसे कृष्ण किस तरह से गए कि भाई ठीक है आप हमें पाँच गाँव ही दे दीजिए हमें पूरा आ, समान नहीं चाहिए। से से लिखा है कि जो न्याय अगर दो आधा दो इसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से अकाएंगे अपना सोय से मिटाएंगे तो ये जो स्वयं ने सारी चीजें लिखी है ये महाभारत से प्रेरित हो गई उसकी सारी चीजें कृष्ण जो संवाद होता है वो पूरा लिखा वो डिस्क्रिप्शन था और पूरा डिस्क्राइब किया गया था पूरा अच्छे तरीके से महाभारत में इसको अच्छे तरीके से वर्णन है और ये किया गया ये काम कब किया गया पोस्ट वैदिक टाइम में

तो ये ये चीजें एजुकेशनल था तो इस, इस चीजों को इसको आप यहां ध्यान रखिएगा महाभारत के बारे में हमने आपको बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया उस चीज को एकदम याद रखिएगा कि अगर अट्ठासी सौ वर्षेज है तो ये जैन संहिता हो गया और ये अट्ठाईस तो जैन संहिता हो गया या महाभारत कहा गया चौबीस हजार हुआ तो भरत कहा गया और एक लाख हुआ तो तोहिता सम्षित, कहा गया इसीलिए देखिए आप कहीं भी नाम सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि इसे महाभारत कहा दिया जाता है ये निकाल जाता है जय संहिता या भरत या सत्संता क्योंकि महाभारत में सब आ जाता है तो महाभारत का ही महाभारत एक कंप्लीट वर्जन है इन सारी चीजों का बाद में जिस तरह से डेवलपमेंट होता गया चीजें जुड़ती गई उसमें अब चलिए अब आप थोड़ा सा हम आपको तो रामायण के बारे में भी हल्की सी बात बता दें कि देखिये रामायण जो बना उसमें स्टार्टिंग में क्या था उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ बारह हजार वर्षेज थे जो रामायण था उसमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ बारह हजार वर्षेज ही मिलेंगे रामायण में तो इसमें बारह हजार वर्षेज थे बारह हजार श्लोक थे अब बाद में इसमें क्या हुआ कि इसको इसमें श्लोक इस को और ऐड किया गया और ऐड करके ये प्लस हो गया ये और बारह हजार इसमें ऐड हो गया बारह हजार इसमें ऐड हो गया और बारह हजार एड हो गया अब इसमें टोटल जो बना वो बना चौबीस हजार चौबीस हजार इसमें बन गया चौबीस हजार वर्सेज इसमें इसमें चौबीस श्लोक इसमें बन गए अब ये जो चौबीस चो, था ये टोटल बाद में बना और ये पूरा एजुकेशनल था एकदम डायरेक्टिक पोर्शन में बना हुआ था ये बाद में ऐड किया गया था ओरिजिनली अगर पूछे कि ओरिजिनली रामायण में कितने थे तो ओरिजिनली रामायण में बारह हजार थे बाद में अगर फाइनल कंपाइलेशन में पूछे तो बारह हजार और जुड़ जाएगा टोटल चौबीस हो जाएगा तो ये चीजें थी इसको याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए सल सूत्र के बारे में बताते हैं आपको देखिए सल सूत्र सल सूत्र जो है पोस्ट वैदिक टाइम में इसको बनाया गया था इसका टाइम पीरियड क्या था सिक्स हंड्रेड बीसी थे थ्री हंड्रेड बीसी ये इसका टाइम पीरियड था और ये वही समय था सल सूत्र जिसने जिस समय ज्योमेट्री

आ, नियम है नियम क्या किस चीज का नियम देखिए इसमें दो चीजें कवर की गई इसमें दो चीजें कवर की क्या एक था आपका

और किसान लोग कहते हैं ना ऊपर वाले से डरो हो तो गृह सूत्र में इस तरह से इस तरह के नियम लिखे गए थे साथ ही साथ इसमें मैरिज के बारे में फ्यूनरल के बारे में जनमरणी सारी चीजों के बारे में मतलब घर से रिलेटेड जैसे गृहस्थ आश्रम होता है तो उससे घर में गृहस्थ आश्रम था कि घर में आदमी जो है घर में रहना चाहिए घर के भोग विलास की चीजों को देखना चाहिए तो वो गृहस्थ आश्रम में था तो इसी तरह से गृह सूत्र था गृह सूत्र में घर से रिलेटेड सारे डोमेस्टिक रिचुअल्स हमें कौन कौन से काम डोमेस्टिक करने चाहिए हमारी एक एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है गृह सूत्र में पता चला और शोत सूत्र श्रोत सूत्र में क्या किया गया था श्रोत सूत्र में एक बड़े-बड़े पब्लिक सर्विसेज होते थे जैसे श्रोत सूत्र देखिए नाम से एक लरो श्रोत यानी कि जो सुना हुआ है सुना हुआ क्या रहता था बड़े बड़े राजा महाराजा जो करते थे वो सुना जाता था जो प्रिंस होते थे और जो राजा होते थे वो जो भी पब्लिक में करते थे जैसे मान लीजिए कुछ त्याग दिए कुछ दान दे दिए या उन्हें क्या दान देना चाहिए और उन्हें क्या क्या करना चाहिए जैसे कि युद्ध के पहले कई का बार लोग काली माता को बलि देते हैं जैसे आपने बाहुबली में भी देखा होगा तो ये इस तरह की जो सौ सूत्र में इस तरह की चीजें को बारे में बताया गया कि कब क्या करना चाहिए और ये भी बताया गया कि किस तरह से जो प्रिंस होते थे जो राजा होते थे राजा के जो लड़के या जो होने वाला राजा होते थे यार

बर्थ से रिलेटेड चीजें किस सूत्र में सल सूत्र के किस पार्ट में तो आप बताएंगे सूत्र लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि उसमें पब्लिक सैक्रीफाइसेस यानी कि जो राजा और अपने प्रजा के लिए जो करता था था और किस तरह से डोमिनेंस डोमिनेंस किया था? का मतलब अधिकार जमा कर रखा था वर्ण व्यवस्था में अपने आप को बाकी के तीनों वर्णों को, को अपने अंडर में रखा था और कई तरीके का पर्पज रॉयल कन्वीनियंस के लिए जिस तरह की चीजें होती थी वो सारी चीजें शो सूत्र में दिया गया तो इसे याद रखिएगा और साथ ही साथ ये पीरियड और भी इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट था

मूर्ति पूजा इस तरह तमाम चीजें पहले होती ही थी लेकिन उसके बाद जैन बुद्ध जब ये दोनों धर्म आए तो जैन जो था तो जैन जो थी ये ये बेसिकली ये गुजरात के वलाभी के थे सिक्स हंड्रेड आफ्टर डिकेट में आ, ये, के में, समय की बात है ये और में इन्होंने कई ऐसी लिखी जो, आ, तरीके से थी। आज भी जितने जैन होते हैं, वो करते हैं, और वो गुजरात में ही जाते हैं जैन की कम्युनिटी गुजरात में पाई जाती है गुजरातियों को बेस्ट माना जाता है बिजनेस के लिए दुनिया जानती है और इंडिया में तो मतलब बच्चा बच्चा इस बात को जानता है तो जैन जितने होते हैं वो बहुत रेयर ऐसा होता है किसी सर्विस में आप तो जैन के सर्विस में भी जाने लगे हैं अक्षर जैन भी रहे यूपीएससी का ऑल इंडिया रैंक टू तो वो जैन तो रहे लेकिन जैन उनसे भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि जैन कम्युनिटी को ज्यादातर माना जाता है कि वो बिजनेस में रहते तो आप सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें थी तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो जैन में प्राकृत लैंग्वेज का सदस्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राकृत लैंग्वेज यूज की जाती थी और ये कंपाइल किया गया था वाला भी गुजरात में जैन कम्युनिटी थी रिलीजियस बुक जितने भी थे वो लिखे गए थे और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये ज्यादातर जो जैन एक्टिव था ईस्टर्न यूपी बिहार ईस्टर्न यूपी में भी थे और बिहार में भी थे महावीर के समय में वर्धमान महावीर जो था देखो ना वर्धमान महावीर ये आपको हम पढ़ाएंगे आगे तो इनके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म और बाकी चीजों के बारे में तो वो जैन जो थे उसमें जो जैन थे वो हिस्ट्री को वापस ईस्टर्न यूपी में में इनका एक्टिविटी ज्यादा था और बिहार में बिहार में भी कई बुद्ध की और जैन की भी जो चीजें थोड़ी बहुत मिलती हैं वो इन्हीं की वजह से मिलती है वर्धमान महावीर के समय के थे ये वर्धमान महावीर के समय में कुछ इस टाइप के इनके लिटरेचर मिलते हैं जैसे ये दिखा रहा तो है आपको तो जैसे चीजें हैं इस टाइप के कुछ लिटरेचर इनके मिलते थे तो ये सारी चीजें अब इसके बाद हम अगर आगे देखें तो ये जो जैन है अगर जैन को हम बेसिकली देखें तो जैन टेक्स्ट जो होता है ये जैन जैसे जैन है जैन का मतलब क्या होता है जैन का मतलब ही बेसिकली देखा जाए तो ट्रेडर कहा जाता है पहले के समय में ट्रेडर्स को जैन कहा जाता था तो ये इस तो यहां से भी ये चीज आई है कि किस तरह से ट्रेड और ट्रेडर्स के से एक जैन जैनों को कनेक्ट करके देखा जाता है शुरू से ही देखा जाता रहा है तो ये सारी चीजें अब अब आगे वहां बौद्ध की बात करते देखिए देखिये जैन से ज्यादा ओल्ड है बौद्ध बुद्ध बौद्ध को बौद ओल्डेस्ट कहा जाता है

और कौन कौन से एनिमल वो बने और उस पर रिलेटेड जो भी जातक तो कथाएं आपने सुनी होगी बहुत ही फेमस होती हैं और इसमें एनिमल्स के थ्रू कोई लेसन देने की कोशिश की जाती है बच्चे इसका काफी अच्छे तरीके से इसको चीज को पढ़ते हैं तो जातक कथाओं में बुद्धा के ही पुराने जन्मों के बारे में दिया है कि वो कौन कौन से जन्म थे कुत्ता हाथी बिल्ली जैसे भी था तो वो जिस जिस तरह से वो आगे बढ़ते गए और लोमड़ी जो अभी आज हम लोग कहानियां सुनते हैं वो जाता कथाओं से ही ली जाती है जातक कथाओं का ही एक पार्ट होती है तो वो चीजें थी और इस चीज से ये चीज काफी बनी हुई थी अब आगे अगर हम देखेंगे तो जो ये था पाली लैंग्वेज में था और पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट की लैंग्वेज पाली लैंग्वेज मानी जाती है ये साउथ बिहार में काफी मतलब चीजें बोली जाती हैं, साउथ बिहार का मतलब है मगध मगध में मगध राजा जैसे धनानंद था धनानंद को उखाड़ने के लिए ही अर्सा लाए थे मौर्य बना था बाद में बौद्ध वहां पे बौद्ध धर्म को अशोक आये अशोक ने बोध धर्म को अपना लिया था तो ये यही सारा कनेक्शन है और ये पाली लैंग्वेज जो है पाली लैंग्वेज के बारे में एक बात हम और आपको बता दें कि पाली लैंग्वेज जो है ये पाली लैंग्वेज टू हंड्रेड बीसी में कंपाइल की गई थी टू हंड्रेड बी सी में कंपाइल की गई थी श्रीलंका में तो टू हंड्रेड बी सी में श्रीलंका में की गई थी और श्रीलंका में ये कंपाइल किया गया था पाली लैंग्वेज में इसको तो अब श्रीलंका में भी देखिए बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा एक सेंटर है श्रीलंका और वहां पे अक्सर टूरिस्ट इंडिया से भी लोग जाते रहते हैं तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बुद्धिस्टों के लिए श्रीलंका अब हम सेकुलर लिटरेचर की बात करते करें सेक्युलटरी मतलब कि जो सर्वधम संभाव वाली लिटरेचर होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ बुक्स लॉ बुक्स में लॉ बुक्स क्या है लॉ बुक्स में रूल बताए जाते हैं अलग अलग वर्णों के जैसे कि आ, किंग से एक राजा से लेके एक राजा से लेके राजा के ऊपर कौन सा कानून लागू होता है और राजा से लेके जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं जैसे रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑफिशियल हो गए या सेना प्रमुख हो गए तो इस तरह के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनसे लेके जो भी चीजें हैं लॉ बुक के वो लॉ बुक्स में इसमें डि, डिटेल दिया जाता है पनिशमेंट का भी बारे में दिया जाता है कि चोरी का क्या क्या सजा होना चाहिए मर्डर का क्या सजा होना चाहिए व्याचारिता का क्या क्या होना चाहिए पनिशमेंट क्या होना चाहिए और ये आ, ये और इसमें ये भी था रूरल जो था वो प्रॉपर्टी को किस कितना कितना प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का कि मतलब मरने के बाद पिता से पुत्र को संपत्ति जाए ये सारी चीजें कौन कौन से सारे नियम कानून सारे लॉ बुक्स में दिए हुए थे और ये लॉ बुक्स का नाम था धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र जिसको कहा था धर्मशास्त्र में ये लिखा गया तो धर्मशास्त्र क्या होता है धर्मशास्त्र होता है एक सूत्र है धर्मशास्त्र एक तरह से धर्म सूत्र यानी धर्म धर्म सूत्र है और साथ ही साथ स्मृति है। स्मृति है का मतलब कि जो याद रही है वो चीजें याद करके इसमें आज भी जोड़ के इसमें लिखा गया जैसे कोई चीज कोई लिखता है तो उस चीज को पहले स्मृति में करता है याद रखता है पुराने समय में कोई भी चीजें ली जाती है नए में तो जितने अपने स्मृति के ही आधार पर जाते जाती अपनी अपनी बुद्धि अपने जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं उन्हीं से चीजें ली जाती हैं तो वही स्मृति हुई और वो क्विफाइड किया गया था सिक्स आफ्टर डिकेड में अ uh, 300 में क्रिश्चियन एरा में क्रिश्चियन एरा में इसे मतलब uh, जो है कंपाइल किया गया था तो ये सारी चीजें थी और ये देखा गया 500 से 200 ईसा पूर्व में काफी एक्टिव था. मतलब ये चीज रही थी ईसा पूर्व में तो इसको 500 ईसा पूर्व भी कहते हैं तो इस इसमें इस समय भी ये काफी एक्टिव रही और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसके सेकुलर लिटरेचर में लॉ बुक का बहुत ही अपना एक अलग महत्व था उसका बहुत ही अच्छा महत्व था क्योंकि ये सारे नियम कानून को दर्शाती थी, थी कि समाज को किस तरीके से रन करना चाहिए समाज किस तरीके से चलना चाहिए राजा से लेकर रंक तक चीजों को बताती बताती थी, 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 थी उसमें अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र तो कौटिल ने चढ़ा ने लिखा था और इसे पंद्रह बुक्स में डिवाइड कर दिया गया था अर्थशास्त्र को पंद्रह बुक में बहुत बड़ी बुक थी ये तो इस पर अर्थशास्त्र पे कौटिल के ऊपर बहुत कई मिनिस्ट्रीज बनी है इन्होंने कई मिनिस्ट्री बनाई थी इनकी लिखी हुई किताबों के ऊपर बन गई है तो इसमें बुक में डिवाइड कर दिया गया था उसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट करता था इकोनॉमिक सोसाइटी जो मॉडर्न स्टेट के समय की थी और एंशियट इंडियन की पॉलिटी इकोनॉमी ये सारी चीजें मेन पॉलिटी इकोनॉमी ये सारी चीजें इसमें काफी हद तक इसके बारे में डिटेल में पूरी चर्चा थी पॉलिटी इकोनॉमी की और पंद्रह बुक में ये सारी चीजें कवर थी अब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में गुप्ता के समय में गुप्ता के समय नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में भी अः क्या क्या चीजें लिखी गई थी देखिए एक भाष्य भाष्य लिखा था बाण भट्ट थे उस समय कालीदास थे इन्होंने इन सब ने मिलकर सेक्युलर लिटरेचर लिखा था सेक्युलर मतलब किसी धर्म को टारगेट करके नहीं था ये एक पर्टिकुलर एक जिस तरह समाज में चीजें चल रही है उसके बारे में इन्होंने बताया और देखिए कालिदास की भी देखिए कालिदास की जो बुक थी अभिजान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम काफी फेमस बुक है और यह अभिज्ञान में काव्य और ड्रामा दोनों के हिसाब से सा, दोनों के लिए माना जाता है इसको फेमस कि इसमें काव्य कविताओं के माध्यम से भी बत, चीजें बताई गई ड्रामा के माध्यम से भी चीज बताई और कविता में भी ड्रामा को डाला गया है तो ये इस तरह से चीजें हैं पूरी सेकुलर था इसलिए इसलिए इसको इस, इस तरह लिया गया तो ये सारी चीजें याद रखिएगा अब देखिए संस्कृत सूत्र की बात करें संस, अब संस्कृत में किस तरह से देखिए सोर्सेस का लिटरे सोर्सेज का मतलब क्या था कि पुराने सोर्सेस की मदद से हमें किस तरह से चीजें मिले जिससे हम डिस्क्राइब कर सके कि उसमें पुराने समय में होता क्या था संगम अधिके संस्कृत सोर्सेस में है संगम सबसे इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक संगम क्या है संगम संगम तमिल टेक्स्ट है संगम जो है हमारा वो तमिल टेक्स्ट है तमिल तमिलनाडु के क्षेत्र में ये काफी फेमस था उसमें चलती थी और तो ये, ये संगम का मतलब क्या होता है संगम का मतलब होता है मेल जैसे कि एक उस उस समय देखा जाता था इसको लिटरेरी असेंबली कहा जाता था इसको लिटरेरी असेंबली कहा जाता था कि मतलब जो पोएट्स हैं उनका एक, एक वो कहाँ एक दूसरे से मिलते थे तो वो पूरी असेंबली के बारे में बताया लिटरली असेंबली था संगम संगम का मतलब ही होता था लिटर, लिटरली असेंबली और ये इसके बाद अगर हम देखें तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल का पॉलिटिकल लाइफ का वहां के लोगों के बारे में वो बुरी तरीके से ये में इसमें दिया गया था जो संगम लिटरेचर था उसमें वहां के लोगों के सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिटेल में दिया गया था ये बेसिकली तमिलनाडु के था और ये ये देखिए ये थ्री और थ्री से फोर हंड्रेड से फोर आफ्टर डिकेट तक ये चीजें इसमें पोएट्स की असेंबली के बारे में बताया गया था जिसमें जो कि जिसका हेड होता था राजा देखिए राजा राजा जैसे बैठ गया तो राजा ने क्या किया कि जितने भी पोएट्स थे जैसे राजा जैसे कहीं नौरथ भी होता है अकबर के समय में तो उस तरह की चीजों के लिए वो उनको रख लिया ये तमिलनाडु की बात मैं कर रहा हूँ नौरथ अलग चीज है नौरथ मुगलों में था तो उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे

जिसका फाइनल कंपाइलेशन 600 आफ्टर डिकेड में हुआ था और 300 से 400 आफ्टर डिकेड में संगम लिटरेचर वहाँ के पोएट जो है वो आए थे अब देखिए सोर्स ऑफ इसका जो भी था वो था पूरा सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लाइफ वहाँ के लोगों के बारे में बताना जो कि डेल्टाई क्षेत्र में रह रहे हैं तमिलनाडु के अर्ली क्वेश्चन है था और ट्रेड और कॉमर्स जो है वो वहां के जो भी foreigners थे वो भी इफेक्ट करता था वहां, पे, वहां भी archaeological उस में पाई जाती थी। उससे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में भी uh, foreign, uh, accounts पे उसका क्या असर पड़ता था मतलब फॉरेनर्स के अकाउंट्स में फॉरेनर्स के अकाउंट्स क्या है वो भी हम आपको बताते हैं तो उसमें क्या असर पड़ता था ये भी बताया गया था अब देखिए फॉरेन अकाउंट्स की अगर हम बात करें फॉरेन अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो फॉरेनर्स हमारे देश में आए तो वो उन्होंने क्या किया उन्होंने भी कुछ कुछ ना कुछ ना चीजें लिखी जिससे हमको सोर्स का जिससे हमें पता चलता है कि अपने समय के बारे में पता चलता है हम टाइम को कनेक्ट कर पाते क्योंकि पहले घड़ी नहीं थी कोई ऐसा मैप नहीं था वैसा था गूगल मैप है आप एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं तो आप कौन सी जगह जाने की खोज कहां से शुरू हुई सारी चीजें हमें फॉरन अकाउंट से ही पता चली बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये जैसे चाइनीज आए ग्रीक्स आए रोमन आए ये सारे वेस्टर्स थे जैसे ये चीज इन लोगों के बारे में हमें पता चला और ये जो थे जितने थे रिलीजियस व्यू दिया जो जो चीजें होती थी उनकी ग्रीक जो थे वो अलेक्जेंडर ग्रीक अगर ग्रीक के समय देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीक्स की कि ग्रीक की की जो अलेक्जेंडर का उसमें हुआ था ये इंडिया में किसी की बुक में नहीं दिया गया है जैसे हम लोग ने हमला किया अलेक्जेंडर ने हमला किया हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम कह सके कि अलेक्जेंडर ने हमला किया इसमें जो भी हमें सोर्स मिलता है वो मिलता है ग्रीक से तो ग्रीक आपको समझ में आ गया होगा ग्रीक का क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें कि जो जो ग्रीक के विजिटर्स थे उसमें आ, अलेक्जेंडर के समय के देखिए अब पता कैसे चलेगा कि आ, मतलब ग्रीक्स ने किने कैसे लिख दिया इंडिया वालों ने नहीं लिखा क्योंकि देखिए अलेक्जेंडर का रियल बात ही था कि ये इंडिया में कदम ही नहीं रख पाया था अलेक्जेंडर जो है इंडिया में कदम ही नहीं रख पाया था तो ये ग्रीक था ग्रीक आ, तो ग्रीस से जब ये जीते हुए वो, वो आ रहा था तो उस समय वहां के इस कंटेंपोरी राइटर उसमें थे संद्रो कोटास वहाँ के विस्टर ने मेंशन किया है जो चाइनीज विस्टर है ग्रीक विस्टर है उन्होंने मेंशन किया है संद्रो कोट्टा 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 मैं राइटिंग सॉरी राइटिंग के लिए मैं माफी ला चाहूंगा सेंड्रो कोट्टा कोट्टा ये थे उसमें वो अलेक्जेंडर के समय में थे और उसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लिखा है तीन सौ बाईस में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी से 322 BC में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने तो ये हमें यहां से पता चला तो ग्रीक से बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्रीक नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चल पाता और साथ ही साथ उसके बाद इंडिका जो मैंने इस की उसने भी उसमें भी हमें ये चीज पता चली कि किस तरह से आ, ये क्या कहते हैं ग्रीक ये हमें आ, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक इंडिका जो लिखा था मेगस्थनी ने इंडिका लिखी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में लिखी थी 322 बीसी में जो मैंने आपको बताया था और 322 बीसी में उन्होंने लिखा और इसमें ये भी बता दें कि ये इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो उसकी जो क्रिडेंशियलिटी है उसकी जो सत्यता है वो ये है कि इसमें जो आ, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो सिर्फ हमें इससे हमें मौर्यों के ही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं चलता देखिए इंडिका में इंडिया के लोगों के बारे में बताया गया था तो उसमें से मौर्यों के ही आ, के प्रशासनिक कैसे मौर्य मौर कैसे प्रशासन को चलाते थे सिर्फ उतनी ही बातें हमें नहीं पता चलती इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता चलती है कि सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पे इंडिया कहाँ था इस चीज में भी हमें मेगस्तनी इंडिका से ही पता चलता है कि चीजें उस समय कैसी थी कहाँ थी तो ये सारी चीजें हमें वहां से पता चलती हैं अब इसके बाद अगर हम बात करें ग्रीक और रोमन अकाउंट की तो ग्रीक और रोमन भी आए थे तो उसमें एक बुक जो बुक लिखी गई बुक थी आ, पेर, पेरिलस ऑफ एरिथ्रियन एरा ये, ये लिखी गई थी एरियन के द्वारा एरियन ने लिखा था अस्सी से पंद्रह आफ्टर डिकेड में और इसके बाद अगर मतलब तो कोई चीज लिखी गई तो वो थी पोटोलमी की ज्योग्राफी की जोग्राफी ने लिखा था याद बुक देता नेडा ने लिखा है तो आप बताएंगे एरियन ने लिखा है आपसे तो बताएंगे एक सौ पचास जोग्राफी के बारे में डिटेल में बताया था और ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है जोग्राफी के बारे में और वहां के कॉमर्स के बारे में स्टडी करने के बारे में हमें चीजें ग्रीक और रोमन अकाउंट से ही पता चलती है हमारा खुद का उसमें ज्यादा उसमें हमारी रिसर्च नहीं है और नेचुरल हिस्ट्री भी एक बुक है नेचुरल हिस्ट्री बुक है और इसको प्लानिंग ने प्लानिंग ने लिखा था हंड्रेड आफ्टर डिकेड में तो ये सब देखिए डेट याद रखिए इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा जो बुक मैंने बताया पहले हुआ हो चाहे ओटोनोमिक जियोग्रफी है चाहे नेचुरल हिस्ट्री का टाइम पीरियड उसका जो किसने लिखा और ये क्यों लिखा गया था देखिए नेचुरल हिस्ट्री जो लिखा था ये लिखा था इंडिया और इटली के बीच में इसमें जो भी बिजनेस संबंध होते जो भी ट्रेड होते थे उसके बारे में लिखा था तो इंडिया और इटली के बीच में जो भी होता था वो ट्रेड उसके तो तो बारे में प्लानिंग के नेचुरल हिस्ट्री में हंड्रेड ऑफ क्रिकेट में लिखा गया था और चाइना देखिए चाइनीज ट्रेवलर थे फायन देखिए ये दे दोनों जो थे वो फायन जो था वो वो था गुप्ता गुप्तकाल के समय का फायन गुप्तकाल के समय का था और सांग जो था वो आ,

होता है चीजें होती हैं जैसे सारनाथ और इस तरह की चीजें ये लोग यहीं का यही बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध लो लो आए थे अब देखिए सबसे पुरानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो का हिस्टोरिकलिस हिस्टोरिकल, सिंसेस। हिस्टोरिकल सिंसेस में हमें ये पता चलेगा कि ऐतिहासिक चीजें कहा से कैसे कैसे डेवलप हुई हैं पुराण की बात करें देखिए इसमें अगर हम पुराण के देखें देखिए मतलब हम पुराने हिस्ट्री के समय से लेकर क्या क्या पता लगा सकते हैं हिस्ट्री से देखिए इसमें पुराण में जो है उसको माना जाता है कि ये वो कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है जो कि उस समय की जो उस समय उस समय की जो डायनेस्टिक गुप्ता डाइनेस्टिक के समय में किस तरह की चीजें होती थी उस समय और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी देता है कि फ्यूचर में उसके फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं वो हमें पता चलती हैं और ये लिखा गया है क्योंकि हर इवेंट के बाद पुराण में चीजें लिखी गई हैं और पुराण में एक चीज और है मोरल ये इसको में इसमें हर वर्ष जैसे कि हमने आपको बताया ना कि कोई इवेंट हुआ तो उसके बाद चीजें लिखी गई तो उस तरह से उसमें क्रेता युग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग के बारे में जिक्र पुराण में ही है उपनिषद जैसे मैंने आपको बताया पुराण में तो वो उसमें है और साथ ही साथ ये

तो समय के बारे में पता लगाने के लिए है तक क्योंकि मैंने इंटरेस्ट जो जो लेते थे में वो भी जाके वहां लिख लेते थे तो इसमें इसी तरह से हमें टाइम पीरियड के भी बारे में पता चलता है जैसे विक्रम संवत वो अड़तीस फिफ्टी एट बी सी में और सख समय में गुप्ता थ्री हंड्रेड नाइनटीन आफ्टर टिकेट तो ये तीनों एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये तीनों इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते थे टाइम और प्लेस को भी लिखते थे और, ले, और ये लेकिन हाँ ये लोग पुराण में इनकी चर्चा तो वही है लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक व्यू इनका हमको देखने में नहीं मिला है पुराण में बाद में हम जो बाकी के हमारे राइटर हुए उन्होंने इसको एक क्रमबद्ध तरीके से इसको अरेंज किया है तो ये था अब देखिए हम आपको बताते हैं बायोग्राफी बुक देखिए ये इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हम अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बताएंगे तो देखिए इसमें इस बुक को किसने लिखा उसको याद रखिएगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखिए आपको बता दूंगा देखिए चेज बुक बुक जो थी हर बुक लिखा है किसने बाणब ने हर बुक को बाणबट ने लिखा है कब लिखा था सेवन हंड्रेड आफ्टर टिकट में सेवन हंड्रेड आफ्टर टिकट में लिखा था इसे ये, लेकिन इसको ये माना जाता है कि ये पूरी तरीके से मतलब इसके जबरदस्ती इसमें इसमें प्रशंसा की गई है राजा की क्योंकि ये हर्षवर्धन के पुरा, पुराने समय के बारे में बताता था कि किस तरह हर्षवर्धन एक राजा बनाओ किस तरह से सारी चीजें उसके बहादुरी के किससे ये सारी चीजें उसमें थी और ये लेकिन ये इस ये इससे हमको पता चलता है कि उस समय के लोगों का रिलीजियस और सोशल लाइफ कैसा होता था ये हमको इस तरह की बुक से हमें पता चल जाता है ठीक चाहे वो सच बोले चाहे वो झूठ बोले हमारा लक्ष्य होता है मेनली उस समाज को स्टडी करना कि उस समय समाज में वो राजा कोई भी राजा अच्छा तभी माना जाएगा जब उसकी प्रजा खुश रहेगी तो हर्ष चरित में बाण भट्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है इसके बाद देखिए जो दूसरा है रामचरित रामचरित सॉरी इसमें टी ए रामचरित ये है कि ये ऐड कर लीजिएगा आप लोग रामचरित लिखा है संधकारा नंदी ने संधकारा नंदी ने इसको लिखा है और ये बताता क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बताता है कि कौरव और खरवेला के जो किंग था खारवेला का जो किंग था खारवेला के बीच में औ, और पाल किंग पाल किंग जो रामपाल है उसके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कॉन्फिडेंस की लड़ाई के बारे बता में बताता है जिसमें पालकिंग रामपाल जीत गया था पालकिंग जीत गया था और खारवेल किंग हार गया था ये बताता है हमें अब हम बताते हैं विक्रम, देवा चरित।, विक्रम, देवा, विक्रम मन देवा चरित ये लिखा है बिल्हण ने ये बुक लिखी है ये इसका ऑथर है बिल्हण ये बायोग्राफी बुक है और इसमें क्या बताया गया अचीवमेंट बताया गया विक्रमादित्य फोर की विक्रमादित्य फोर की बताया गया है विक्रमादित्य देखिए विक्रमाना देवा साहब आप पता पता लगा सकते हैं इसमें देखिए इसको इसमें बताया गया है विक्रमादित्य फोर की विक्रमादित्य फोर की और विक्रमादित्य सॉरी विक्रमादित्य सिक्स की विक्रमादित्य सिक्स की और वन जीरो सेवन एक हजार छिहत्तर से ग्यारह सौ सताइस आफ्टर डिकेट तक के बारे में इसमें दिया गया है और ये इन्होंने किसको हराया था इन्होंने हराया था चालु, जो चालुक्यम किंग थे कल्याण कल्या, उनको उन्होंने उनको हराया था तो इसमें उनके बारे में अचीवमेंट दिया गया है उनके अः उनके बारे में अब अगला हम बात करें राज राजतरंगणी राज लिखा है कलहण ने राज तरंगिणी क्या था राजतरंगिणी में कलहण ने इसको लिखा था ट्वेल्व हंड्रेड आफ्टर टिकेट में कलह ने लिखा था इसको ट्वेल्व हंड्रेड आफ्टर डिकट में लिखा था इसको और इसके साथ ही साथ बता दें कि ये ऐसा पहला वर्ग था जो कई तरीके के हिस्ट्री के ट्रेड्स के बारे में मैं बताता था, था और ये राष्ट्रंगिणी राष्ट्रंगिणी का मतलब देता है एग्जाम्पल राष्ट्रीय का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स मतलब राजाओं का एक समूह स्ट्रीम ऑफ किंग्स राजाओं का एक समूह होता है उसके बारे में दिया जाता है ये और इसके साथ ही ये ये बायोग्राफी बताता था जो कश्मीर के राजा थे उनकी बायोग्राफी भी इसमें इसमें दी बताई गई इसमें मेनली क्या है जो कश्मीर के राजा होते थे कश्मीर के उनकी जो बायोग्राफी है उसका इसमें जिक्र हुआ है कश्मीर के राजा के और इस, इसके एक सीरीज में उनके बारे में बताया जाता है और इसके साथ ही साथ एक बात हम और बता दें आपको कि देखिए जो बायोग्राफी होती थी मर्चेंट की वो गुजरात के जितने मैंने आपको बताया मछेद की उनकी भी लिखी जाती थी वो लिखा गया था जो भी लिखा गया था वो बारह से बारह सौ से तेरह सौ हफ्ता टिकट तो लिखा गया था लेकिन उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है हमें पुरानी जो हिस्टोरिकल राइटिंग होती है उसमें और इसका जिक्र हमें राजतरंगणी में मिलता है क्योंकि उसमें कश्मीर के भी राजाओं का जिक्र है और उसमें गुजरात के जिसे बताया आपको कि भी लोग ट्रेडर होते हैं बताया, तो ट्रेड करने के लिए ट्रेड राजा लोग करते थे उसके बारे में राजतांगी में डिटेल में दिया कारण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक इसको मानी जाती है ट्वेल्व हंड्रेड आफ्टर डिकट में इसको लिखा गया था तो अब ये सारी चीज का आप बना लीजिएगा ये वीडियो का ये लास्ट पार्ट है जो चैप्टर टू पढ़ाए थे इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियन हिस्ट्री उसका ये लास्ट पार्ट है और अब हम अगली वीडियो आप हड़प्पा सभ्यता पे लेके आने वाले हैं पुराने वीडियो में देखिए इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको मतलब तो क्या हम बताना चाह रहे थे आपको उसकी नोट आप पूरी तरीके से बना लीजिए नोट नहीं बनाएंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम रिवाइज हमारे लास्ट में आपको दिक्कत होगी ये हमारा नंबर है इस पर जाकर पे इस पर जाके व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं हाई भी लिख देंगे तो हम आपको हमारे कोई भी वीडियो होगी तो उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा सबसे कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते तो उस पर बता सकते हैं कि मुझे शर्ट चाहिए तो आपको हमारे एजीक्यूटिव शर्ट दिखाएंगे पैंट चाहिए तो पैंट दिखाएंगे इस तरह से जो भी चीज चाहिए आप बताइए हमारे एक्जीक्यूटिव आपको दिखाएंगे पे जाइए हमें फॉलो कीजिए जिससे हमारे वीडियो आप से मिस ना हो टिस्का फेसबुक पेज को भी जाके लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वहां पे भी हम कोई वीडियो आती है तो उसमें पिन कर देते हैं अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो मस्ट है अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे यूपीएससी कंप्लीट को फ्री में हम दे रहे हैं वो उसे आप मिस कर देंगे तो आप तरह तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए हमारे वीडियोज को देखिए हमारे वीडियो की क्वालिटी को देखिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने कमेंट अपने व्यू कमेंट दीजिए कमेंट में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा देखने में और अभी तक हमारे साथ आप बने रहे इस चैनल पे इसके लिए धन्यवाद